नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इस भयानक गर्मी में छोटे बच्चों को सीने से चिपकाए, माथे पर पल्लू और हाथों में झोला लिए, फटी पुरानी चप्पलें चटकाती ये औरतें योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में भ्रष्टाचार की गवाही देने लखनऊ चलती जा रही हैं, वो भी पैदल। 48 डिग्री तापमान में अपने आप को जलाती, पिघलाती और झुलसाती हुई ये औरतें गरीब औरतें हैं, असहाय और मजबूर, प्रशासन की सताई हुई। जी हाँ, योगी के यूपी से पुलिस की बर्बरता, विधायकों की मनमानी, बदहाल कानून और सुरक्षा व्यवस्था की खबरें तो आम तौर पर आती ही रहती हैं, लेकिन इस बार सामने आया है भ्रष्टाचार का मामला। जी हाँ, योगी की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना में, मतलब नरेंद्र मोदी के नाम से चलने वाली योजना में। अब लोग कह रहे हैं कि इसलिए ही मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार लाओ, जिससे चुपचाप जनता के साथ धांधली होती रहे और किसी को कानों कान खबर ना हो। लेकिन खबर तो हो गई, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये धांधली हो रही है वो निकल पड़े योगी से शिकायत करने, वो भी पैदल। जून की तपती गर्मी में, जहां हम और आप घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में लू के थपेड़े खाते हुए कुछ लोग हमीरपुर से लखनऊ निकल पड़े, वो भी पैदल, इस उम्मीद के साथ कि शायद योगी उन्हें न्याय देंगे। चलिए अब माजरा समझ लीजिए। लखनऊ के लिए पदयात्रा पर निकले ये लोग हमीरपुर जिले में भटपुरा डांडा के रहने वाले हैं। हमीरपुर मुख्यालय से निकले दर्जनों महिलाओं और पुरुषों के जत्थे में मासूम बच्चे भी हैं। चुभती गर्मी में पैदल चल रहे इन लोगों के हाथों में बैनर है जिस पर लिखा है कि धरना प्रदर्शन के बाद भी अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री से शिकायत करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आवास की मांग को लेकर ये लोग कई बार कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लेकिन कई कई दिनों तक धरने पर बैठने के बाद भी अधिकारियों ने जांच के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही दिया है, कोई जांच नहीं हुई। मजबूरन इन लोगों को अपने हक के लिए पैदल यात्रा पर निकलना पड़ा है। जिस बीजेपी सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है, मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसी डबल इंजन की सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार सिर्फ पनप नहीं रहा है बल्कि फल फूल रहा है। पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई के नाम पर इन गरीबों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के विज्ञापन पर करोड़ों रुपए बहाए गए, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन असलियत ये है कि आवास के हकदार दर दर भटक रहे हैं। तपती गर्मी में सड़कों पर पैदल चलने को मजबूर हैं, इनमें बूढ़े बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जब कहीं बात नहीं बनी तो ये लोग निकल पड़े मुख्यमंत्री को अपने साथ हुए धांधली की दास्तां सुनाने। लखनऊ के लिए पदयात्रा पर निकले पदयात्रियों गुलाब सिंह, उपासना, रामकरण और रामबती ने बताया कि प्रधान और सचिव ने भ्रष्टाचार करते हुए अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास दिया है, जबकि झोपड़पट्टी में जीवन यापन करने वाले ये लोग पात्र हैं। यानी आवास योजना के घर बीजेपी के लोग आपस में ही बांट रहे हैं और सरकार कहती है कि उसके राज में पारदर्शिता है। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम पर था। 31 मई को भी अजमेर में पीएम मोदी ने कहा था कि सार्वजनिक रूप से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है तो 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन अब लोग उनसे ही पूछ रहे हैं कि बीजेपी के राज में क्या हो रहा है, कांग्रेस में कम से कम 15 पैसा लाभार्थी को तो मिल पाता था, आपके राज में तो आपके लोग पूरा ही गायब कर जा रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि आम जनता की सुनवाई नहीं हो रही है। पैदल निकले यात्रियों ने मनरेगा स्कीम में भी भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधान और सचिव ने विकास कार्यों सहित मनरेगा में भी बड़ा भ्रष्टाचार किया है। इन सब मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में कई बार धरना प्रदर्शन किया, लेकिन अधिकारियों ने जांच के नाम पर हर बार कोरा आश्वासन दिया। इसी बात की शिकायत करने के लिए हम सभी लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए निकले हैं।
यानी ये गरीब लोग, सताए हुए लोग, औरतें और बुजुर्ग सीधे सीधे बोल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार, घोटाला, धांधली और घपला चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा ये घोटाला डबल इंजन सरकार की पोल खोल रहा है। आपको याद भी होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला नवंबर 2022 में बीजेपी शासित एक और राज्य से भी आया था। जी हाँ, सही पहचाना, मध्य प्रदेश। वहां भी धांधली हुई थी। वहां तो ऐसे व्यक्तियों के नाम पर इस योजना के तहत आवास बांटे गए थे जिनकी जान 4 से 5 साल पहले ही जा चुकी है। सिर्फ यही नहीं, धनतेरस के दिन बड़ा कार्यक्रम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जिन 4.5 लाख गरीबों को पीएम आवास दिलाया गया था, उनमें से कई लाभार्थी टूटे फूटे और कच्चे घरों, झोपड़ियों में रह रहे थे। और अब यूपी से भी ऐसे ही धांधली का एक मामला सामने आया है। ऐसे में अब सत्यपाल मलिक के उस बयान पर गौर कीजिए जो उन्होंने मई में राजस्थान में दिया था कि मोदी के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा था कि मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार कराते हैं और उसमें इनकी मंजूरी होती है, या कहें भ्रष्टाचार को रोकने की उनकी कोई मंशा नजर नहीं आती। पीएम आवास योजना में लगातार चल रही धांधली की खबरें आने के बाद लोग कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक के बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब मध्य प्रदेश में घोटाले का मामला सामने आया था तभी इतने कड़े कदम उठाए गए होते तो उत्तर प्रदेश में ये घोटाला नहीं होता। लेकिन फिर भी धांधली और भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में। और मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि बताइए मोदी जी, आप पर भरोसा कैसे करें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।